प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं है। NSUI ने फूड पॉइजनिंग के विरोध में MIT यूनिवर्सिटी के ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए छात्रों को हर जाना, बेहतर प्लेसमेंट सुविधा, फीस माफ करने की मांग की गई। इस दौरान शाम प्लाजा स्थित MIT यूनिवर्सिटी सिटी ऑफिस के नीचे धरने पर बैठकर NSUI कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। NSUI के जिला महासचिव प्रशांत गोस्वामी ने बताया कि छात्रों से मोटी फीस वसूलने के बाद भी सुविधा न देने का विरोध किया गया है। विगत कुछ दिनों पूर्व MIT यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को जहरीला खाना खिलाया गया, जिसके लिए NSUI ज्ञापन दी थी कि जल्द से जल्द इन पर कार्यवाही की जाए, छात्रों को हर्जाना दिया जाए और प्रत्येक छात्र जो इससे पीड़ित हुए हैं उनका फीस माफ किया जाए। लेकिन MIT यूनिवर्सिटी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन इसमें नहीं लिया गया। छात्रों से बात करने पे पता चला कि 80 से अधिक छात्र इसमें संक्रमित पाए गए, जिसमें से कुछ छात्र हॉस्पिटलाइज्ड भी थे और काफ़ी गंभीर स्थिति में थे, जिसकी मांग को लेकर MIT यूनिवर्सिटी का सिटी ऑफिस घेराव किया जा रहा है। हमारी मुख्य तीन और मांगे हैं, जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट की सुविधाएं पूर्ण रूप से ध्वस्त है। विगत 3 वर्षों में यहाँ पे 5000 से अधिक छात्र पास आउट हुए, लेकिन एक भी छात्र को प्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं मिला। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि यहाँ जो जहरीला खाना खिलाने से जितने छात्र संक्रमित हुए उनकी फीस माफ की जाए और उनको 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए। बलरामपुर जिला मुख्यालय में राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि धीरज सिंह देव के नेतृत्व में जनाक्रोश पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा बलरामपुर मुख्यालय से वन संरक्षण